जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में स्टडी करने वाले हैं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट इस स्टॉक के ऊपर। चार्ट पैटर्न्स पर भी समझेंगे स्टॉक में क्या एक्शन हो रहा है, ऑल्सो फंडामेंटल्स को भी चेक करेंगे, इन दोनों चीजों को समझेंगे। ऑल्सो कौन सा स्टॉक है जहाँ पे पिछले दिनों हमने स्टडी की थी और अपडेट हमको मिला है, अपडेट ये है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 2487.55 इसके ऊपर काम कर रहा है, तो ध्यान देना है इस लेवल के ऊपर। लगातार कुछ दिन अगर बंद होगा तो अच्छी तेजी के संकेत मिलेंगे, 2600 की ओर जो है स्टॉक जाता हुआ देख सकता है। तो अच्छे स्टॉक्स में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करना है, दैट्स इट, दैट्स द ओनली लॉजिक, दैट इज द ओनली मतलब रूल, मतलब मंत्र कह दीजिए मार्केट में पैसे कमाने का। तो चलिए स्टडी करते हैं, सबसे पहले फंडामेंटली देखते हैं ये स्टॉक कितना मजबूत है। एंड और एक चीज बता दूं, ये स्टॉक मेरे नजर पे इसलिए आया क्योंकि FIIs तो ठीक है, DII जो है स्टॉक पे लगातार अपनी होल्डिंग जो है धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। चलिए फंडामेंटल्स में सब चीज देखेंगे। मार्केट कैप देखिए, 930 करोड़ का मार्केट कैप, 24 की पी, 52 वीक लो 83, वहां से ऑलमोस्ट देखिए 2.5 टाइम्स ऑलमोस्ट हो गया है, 83 फिर 52 वीक हाई 242। अब कंपनी किस तरह से परफॉर्म करे जानना है तो हमको क्या करना है, पिछले 3-4 क्वार्टर के नंबर्स हम चेक कर लेंगे, प्रॉफिट में या लॉस में कंपनी पता चल जाएगी। एंड हम ये जो सारे नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं सारे करोड़ में हैं, एंड हमको क्या क्या चेक करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, EPS, ये चार चीज को देखना है। तो देखिए सितंबर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, 10 था, फिर दिसंबर में उछाल 24, मार्च में गिरावट 8, फिर जून में बाउंस बैक 18। तो नंबर जो है तो काफी हमको समझ में आ रहा है, पॉजिटिव है एंड कोई ऐसी भारी उठापटक नहीं हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, 3, तो यहाँ पे देखिए बड़ी तेजी, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गया नंबर, 15, फिर गिरावट 4, फिर से ऑलमोस्ट नंबर जो था बढ़िया वाला 15 वापस आ गया। नेट प्रॉफिट 3, 15, बड़ा उछाल, फिर गिरावट 4, फिर से 15, फिर लास्ट EPS अर्निंग्स पर शेयर 0.6, 3.18 बड़ा उछाल, फिर 0.92 बड़ी गिरावट, फिर 3.11, तो मतलब जो लॉस ग्राउंड था वापस कवर कर लिया है जून क्वार्टर में, हमको समझ में आ रहा है नंबर्स पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है नंबर्स में, रिजल्ट्स में। बैलेंस शीट में हमको क्या चेक करना है, बैलेंस शीट में चेक करना है रिजर्व्स कंपनी का कितना है, कर्ज कितना है कंपनी के पास और एसेट्स कितने कंपनी के पास। तो रिजर्व्स अगर हम देखें तो 105 करोड़ है, पिछले साल 90 करोड़ थे, तो 15 करोड़ की बढ़त हुई है, अच्छी बात। नेक्स्ट कंपनी के पास 139 करोड़ का कर्ज है, पहले ऑलमोस्ट शून्य था पर पिछले दो साल से कर्ज बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, वो भी 139 करोड़ का कर्ज। एंड कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, इसको सही तरीके से सेट कर दूं सो दैट वी हैव अ क्लियर पिक्चर। देखिए कर्ज का हमने चेक कर लिया, एसेट्स कितने, 341 करोड़ के एसेट्स है, तो ये अच्छी बात है। तो बैलेंस शीट में हमको क्या समझ में आया है कि कंपनी के पास रिजर्व जो है उसमें भी 15 करोड़ की बढ़ोतरी देखने मिल रही है, सामने जो है अराउंड 139 करोड़ ओनली, सिर्फ 140 करोड़ का कर्ज है, पिछले साल भी उतना ही था तो स्टेबल है, उसमें कोई मतलब खास है नहीं, 2 करोड़ इंपैक्ट कम हुए हैं। एंड एसेट जो है 340 करोड़ के हैं, तो कर्ज का जो क्वेरी है, पहले भी कर्ज मुक्त थी बट जिस तरह से रिजर्व्स और एसेट्स है कंपनी के पास, तो कर्ज का जो क्वेरी है उसको बैकसीट पे रख सकते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स देखिए 52.53, FIIs 0.47, घरेलू संस्था दैट इज DII 1.7 और पब्लिक के पास 45.24। अब जो इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोट की थी, जैसे शुरुआत में कहा देखो FIIs बढ़ा रहे, मार्च 2022 में कितना था 0.06, अभी जून में 0.09 हो गया, अब यहाँ पे सितंबर में देखो 0.47 हो गया, मतलब मार्च में जितना था उसका 1.5 टाइम्स यहाँ पर बढ़ाया है, एंड यहाँ पर 0.09 था उसका 0.47, मतलब 5 टाइम्स, मतलब FIIs की होल्डिंग ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बढ़ी है यहाँ पे। मतलब इन नंबर्स देखते हुए छोटे लगेंगे 0.09, 0.47, बट परसेंटेज टर्म्स में आप काउंट करोगे तो यहाँ से यहाँ जो है इसी फिफ्थ क्वार्टर में FIIs ने अपनी होल्डिंग 5 टाइम्स बढ़ाई है। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, DIIs क्या कर रहे हैं, सितंबर 2020 से होल्डिंग जो है कॉन्स्टेंट रही या तो बढ़ी। देखो सितंबर 2020 में कितना था 1.2, फिर दिसंबर 1.2, 1.2, 1.2, एक साल लगातार मतलब चारों क्वार्टर कॉन्स्टेंट, फिर सितंबर में देखिए बढ़ 1.35, 1.5, 1.5 कॉन्स्टेंट, 1.5, 1.78, तो DIIs भी लगे हुए हैं बढ़िया तरीके से स्टॉक को खरीद रहे हैं। जो इंटरेस्टिंग चीज है वो FIIs ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग 5 टाइम्स बढ़ाई है, दैट इज 0.09 से बढ़ के 5 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 0.47 के आसपास हो गई है। सो फंडामेंटली कितना मजबूत स्टॉक हमने देखा है, अगर क्विकली रन थ्रू करेंगे फंडामेंटल्स तो क्या समझ में आता है, 930 करोड़ का मार्केट कैप है, क्वार्टरली नंबर्स बढ़िया है, कोई भारी उठापटक नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, नंबर्स पॉजिटिव है, बैलेंस शीट हमने चेक की, कर सिर्फ 140 करोड़ का है, रिजर्व्स अच्छे हैं 105 करोड़ के आसपास, एसेट्स भी कंपनी के पास 340 करोड़ के हैं, कर्ज की चिंता है उसको छोड़ सकते हैं क्योंकि एसेट्स रिजर्व्स अच्छे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़िया है, ज्यादा शेयर्स प्रमोटर्स के पास है 52%, FIIs जो है होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 0.09 था 0.47 हो गया है, एंड DIIs भी लगातार होल्डिंग अपनी बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो फंडामेंटली कितना मजबूत स्टॉक है ये हमने देख लिया है, अभी हम चार्ट पैटर्न्स पर देखेंगे स्टॉक में यहाँ पर हो क्या रहा है। और चार्ट पैटर्न्स को हो रहा है ये सिर्फ एक ही चीज में ड्रॉ करूंगा, देखिए एक ही टूल यूज करना है मुझे एंड फिर जो है हमको पता चल जाएगा स्टॉक में हो क्या रहा है। सबसे पहले देखिए स्टॉक जो है एक ही पैरेलल चैनल में नीचे आ रहा है, देखो सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ सेट सो दैट वी डोंट हैव एनी डाउट्स लेटर, देखो इसको मैं कर दिया सेट,
एक ही पैरेलल चैनल में जो है नीचे की तरफ आ रहा है। अब नीचे की तरफ तो आ रहा है, साथ में स्टॉक के लिए जो पिछले दिनों की जो हाईएस्ट क्लोजिंग है वो कौन सी है वो मैं आपको बता दूं, वो है ये। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सबसे पहले ये लाइन कर दी मैंने ड्रॉ। अब स्टॉक जो है फंडामेंटली इतना मजबूत स्टॉक है, एंड जो फंडामेंटली मजबूत स्टॉक होते हैं वो जो है हर डिप पे बाय किए जाते हैं, इस बात को मत भूलिएगा। मार्केट जब बाउंस बैक करेगा तो फंडामेंटली जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनमें पहले खरीदारी आती है, एंड प्रेजेंटली भी मार्केट बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है मार्केट में। अब यहाँ पर जो है किस तरह का एक्शन हो सकता है वो मैं आपको आपको सबसे पहले बता दूं, एक्शन हो सकता है कुछ इस तरह का। देखो ये जो है यहाँ पर इस तरह से कुछ जाने की कोशिश कर सकता है, यहाँ पर अपना बॉटम कंप्लीट करके इस तरह से देखिए, इस तरह से बॉटम बना के धीरे धीरे करके ऊपर जा सकता है। एंड जो रेजिस्टेंस है, रुकावट है स्टॉक के लिए कौन सी है वो मैं हाईलाइट कर दूं सबसे पहले, एंड द रेजिस्टेंस इज दिस, सबसे पहले मैं लिख दूं यहाँ पे, एंड इसके ऊपर बंद होगा तब जो है स्टॉक में अच्छी तेजी देखने मिलेगी। इट इज 215.1 215.1, ये समझ लेना इस बात को। कौन से दिन की क्लोजिंग थी, यस इट वॉज 18 अक्टूबर की क्लोजिंग है ये, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर बंद होगा 18 अक्टूबर की क्लोजिंग 215.1, तो स्टॉक में तेजी देखने मिलेगी। तो अभी 215 का इम्पोर्टेंस क्या है, ऑल द ट्रेडर्स जो कुछ दिनों के लिए पोजीशन बनाते हैं उनको करना क्या है, जब जब स्टॉक 210 12 15 के आसपास जाएगा आपको पोजीशन से निकल जाना है, स्मार्ट मूव ही होगा। क्यों पता है, क्योंकि देखिए अक्टूबर, जी हाँ, ऑलमोस्ट 12 अक्टूबर, मतलब ऑलमोस्ट पिछले 2 वीक्स हो गए हैं स्टॉक जो है 215 के आसपास जब जब स्टॉक जा रहा है वहां से नीचे आ गया था, ये बात को भूलना नहीं है। तो स्मार्ट मूव क्या है, 215 आया तो पोजीशन से निकल गए वो लोग जो 2 दिन 5 दिन 6 7 दिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए जो पोजीशन बनाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, उन्हीं के लिए स्टॉप लॉस कौन सा लेवल है, उन्हीं ट्रेडर्स के लिए पिछले कुछ दिनों की सबसे वीकेस्ट क्लोजिंग, फिर भी अगर पोजीशन में बने रहना तो वो है 188 का फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, बिकॉज पिछले कुछ दिनों की सबसे वीकेस्ट क्लोजिंग, सबसे कमजोर क्लोजिंग जो है वो है 188, तो नीचे की तरफ 188 बेस बन गया, बेस मान सकते हैं, एंड ऊपर की तरफ जो है 215 एक रुकावट है। ये हो गई ट्रेडर्स की बात। नेक्स्ट, आने वाले कुछ महीनों की बात करें तो सपोज 215.1 इस लेवल के ऊपर लगातार कुछ दिन बंद होता है तो आने वाले कुछ महीनों में सीधा 235-255 इस रेंज में ये स्टॉक जो है आराम से जा सकता है। 235-255 ये जो रेंज है इसमें आराम से स्टॉक जो है जा सकता है। नेक्स्ट, जिनको लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, 6 महीने 1 साल 2 साल, कौन सी वो रेंज है वहां पे स्टॉक मिलता है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो है ये 130-180 इस रेंज में कहीं पर मिलता है तो इन्वेस्टमेंट जिनको करना है कर सकते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है, 180-130 इसको भूलना नहीं है लेवल को। जिनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है 6 महीने 1 साल 2 साल, ऑल्सो जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर क्वार्टर में रिजल्ट्स आते हैं कंपनी के, रिजल्ट्स को फॉलो करना है, देखना है कंपनी प्रॉफिट में लॉस में किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, आपको जो इन्वेस्टमेंट है किस तरह से परफॉर्म कर रहा है ये भी देखते रहना है। सो फ्रेंड्स, जो स्टडी आपके सामने पेश किया पसंद आई है तो प्लीज स्टडी को लाइक जरूर कीजिएगा, स्टडी को शेयर भी जरूर कीजिएगा, एंड चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जो है उसको हिट करना ना भूले, सो दैट जो भी लेटेस्ट स्टडी अपलोड होगी सीधे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड आप स्टॉक के बारे में क्या राय रखते हैं प्लीज फीडबैक आपका जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा, एंड ऐसी और सरल सिंपल स्टडीज आपको देखनी है तो प्लीज चैनल को जो है वंस अगेन कहूंगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुक्रिया स्टडी देखने के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।